नमस्कार, मैं अनु दीवान, स्वागत है आपका लाइव इंटरैक्शन सेशन में और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9। ये सत्र शुरू करने से पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए एक अहम सूचना। इस बार परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करेंगे। तो आइए प्रधानमंत्री जी के जीवन के अनुभव सुने और जाने कि तनाव रहित रहकर भी हम परीक्षा को एक उत्सव कैसे बना सकते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और सभी प्रमुख चैनलों और ऑल इंडिया रेडियो पर किया जाएगा, तो विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों इसे देखना ना भूलेगा। तो चलिए अब हम अपने सत्र की भी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सत्र है क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट है मिसेस बीना प्रकाश, सीनियर PGT मैथमेटिक्स कैंपियन स्कूल भोपाल। हेलो मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल माय लर्नर्स। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सवाल पूछना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800440559 पर, या फिर आप हमें अपना ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। आप ये प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बाद में देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब है NCERT ऑफिशियल, ये आपको थोड़ी ही देर बाद यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो चलिए मैम, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आज का हमारा चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, आज का जो चैप्टर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का वर्ड से समझ में आ रहा है कुछ करना है, कुछ हाथों से करने का काम है आज। तो कंस्ट्रक्शन क्या है 9 के सिलेबस में ये है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल जो दिया है उस एक एंगल कोई भी पर्टिकुलर मेजर, उसको बाइसेक्ट कैसे करते हैं। तो हमें कुछ कुछ टूल्स की जरूरत है ये करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ तो ले क्या है कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। जैसे कोई एक एंगल दिया है हमारे पास ABC, फाइन। तो ABC मेजर जो एंगल है, ये AB कर सर दिख रहा है आपको? हेलो, नहीं मैम अभी नहीं दिख रहा, एक बार आप अपना स्क्रीन पे चेक कीजिए। अब दिख रहा है ABC? मैम एक बार अपनी स्क्रीन पे दोबारा से क्लिक कीजिए, हमारे स्टूडेंट्स नहीं देख पा रहे हैं। ये देखिए कर्सर दिख रहा है ना, ये ABC दिख रहा है। मैम शायद कुछ टेक्निकली हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ आप ही को देख पा रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मैम आपका स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो कर्सर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। नहीं कोई बात नहीं। मैम अब दिख रहा है, तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी देख रहे हैं फिलहाल ये। ओके, तो ये जो मेजर है एंगल ABC, ये एंगल कोई मेजर है इसका, इसका बाइसेक्ट करते कैसे करेंगे, इस एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे, ताकि ये जो लाइन है ना PP, ये जो लाइन है, ये जो एंगल ABC है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा। मेक एन एंगल ABC, और एंगल कैसे बनाते हैं, दो रे से बनाते हैं, या आप बच्चों को मालूम है BA BC, ये दोनों से एक एंगल बनता है। अब बी को सेंटर रखते हुए BA और AC के आर्म्स में हम एक आर्क कट करते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क, एंड जो आर्क दोनों आर्म्स को कट करता है एट पॉइंट LN M। अब फिर LN M को सेंटर लेते हुए विल कट एन आर्क एट, ये L और M को सेंटर कट लेते हुए हम आर्क कट करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगा एट P। सो द लाइन दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम B टू P थ्रू दैट is the angle bisector। इसका construction मैं हाथ से करके दिखाती आप लोगों को, ये एक tool है। तो जैसे कोई एक angle है, तो let me make first an angle, ठीक है, एक angle बनाती मैं, ये है line, और दोबारा ये this is another line। आपको कितना समझ में आ रहा है बताइएगा। देखिए ये एक line है, तो इन दोनों से क्या बना अपना, ये जो बना है that is ये बनेगा अपना, दिस इज पॉइंट सी और ये पॉइंट बी है, एंड दिस इज पॉइंट ए। जस्ट अ मिनट, इसमें ये पॉइंट ए है। अब हम कैसे इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारा टूल जो है, हमने स्केल यूज करके दो एंगल बाइसेक्टर बना दिया।
अब ये हमारा टूल है एक कंपास। कंपास का क्या पर्पस है? वील मेक एन आर्क। एक सफिशिएंट, इस इतना लेंथ की जरूरत नहीं है, आई रिड्यूस इट, इस लेंथ का एक आर्क बनाएंगे, इस लेंथ का आर्क जो ये दोनों आर्म्स को कट करेगा। ये देखिए कट करते हुए दिख रहा है आपको, ये एक कट किया और ये दूसरा कट किया, ठीक है। तो दिस इज द आर्क विथ सेंटर बी, ये पॉइंट बी है। अब यहां पे रख के, ये पॉइंट पे रख के थोड़ा सा इसका ये लेंथ थोड़ा सा कंपास को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे, इसका आर्क लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब फिर से हम एक आर्क कट करेंगे विथ एम एज अ पॉइंट, मान लो ये एम है। अब कंपास को दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, दूसरे एंड पे रखेंगे। अब हम फिर से एक आर्क कट करेंगे जो पहला आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। दिख गया ये दो दो इंटरसेक्टिंग आर्क्स दिख रहे हैं आपको? जी मैम। अनुजी दिख रहा है क्या? जी मैम, मैम क्लियरली दिख रहा है। अब जो लाइन जो बनेगा, ये देखिए इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये पॉइंट ले रहे हैं हम, ये एक लाइन बनाएंगे हम। ये देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन गया है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये जो दिया हुआ एंगल है, एक मिनट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ये एक थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इसका पोजीशन। अब क्लियर हुआ? अब देखिए, ठीक है, ये जो लाइन बना, दिस इज, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है अपना पी। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दैट इज अगर ये पॉइंट हमने एल लिया है और ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स, ये एंगल बी वर्टेक्स है ये, तो ये एम है। सो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? एंगल पी बी एम, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आता है इसमें, तो आई थिंक बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ। एंड एंगल पी बी एल, पी बी ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू बना रही हूँ मैं ये, कि एक्चुअली एम होना चाहिए पॉइंट, दिस इज एम पॉइंट, पी ई बी एम, ये पी बी एम और पी बी एल, ये दोनों एंगल इक्वल है। चलिए अपन चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास कंपास रखा है, अब देखिए इस कंपास से आप थोड़ा सा इसको सेट करिए। देखिए इस एंगल का मेजर मुझे जहां तक रीड करने में समझ में आ रहा है 52 के आसपास दिख रहा है, और देखिए 52 के आसपास, और ये 26 दिख रहा है ना एंगल सी बी एल, आप रीड कर पा रहे हो ना सी बी एल? मैम देखिए बाइसेक्ट कर लिया ना हमने एंगल को? जी मैम। तो दिस इज हाउ टू बाइसेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने सबसे पहले एंगल बनाया सी, कर्सर दिख रहा है ना, सी बी ए एंगल बनाया, फिर बी को सेंटर करते हुए एक आर्क बनाया हमने जो दोनों आर्म्स को कट करता है एट पॉइंट्स एल एंड एम, एंड देन विद एल एज सेंटर एक पर्टिकुलर रेडियस विच इज स्लाइटली थोड़ा सा इससे बड़ा रेडियस से एक आर्क कट करेंगे। तो दोनों एंड से जब कट करता है तो बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। सो यू है एंगल बाइसेक्टर बी पी फॉर दिस एंगल ए बी सी। तो ये पर्टिकुलर रूल यूज करते हुए हमें जो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के वो करना है। तो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस। अब जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, टू गेट एंगल 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है उन्होंने। अब 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करें? 90 डिग्री किसका आधा होता है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री मीन्स अ स्ट्रेट एंगल। तो इसका मैंने स्टेप्स लिखा है। देखिए स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी लेने का मीनिंग है ये है कि जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी, दिस फुल एंगल विल बी, दिस इज पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो ये जो पॉइंट, दिस एंगल, ये जो मेजर बन रहा है, दिस इज 180 डिग्री। अब इस एंगल को हमें बाइसेक करना है। इस एंगल को अगर बाइसेक करना है तो क्या करना है? विद वर्टेक्स, जो भी वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स सी, इस को वर्टेक्स मानेंगे, इससे हम एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाएंगे। देखिए सेमी सर्कुलर आर्क बन रहा है।
अब ये सेमी सर्कुलर आर्क को विद सेम रेडियस हमने कट किया 3 पॉइंट्स पे, तो एंड देन वी गो फॉर द बाइसेक्टर ऑफ दिस, दैट इज इस पॉइंट और इस पॉइंट को एंड पॉइंट्स को लेके हुए बना रहे हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, वापस मैं कंस्ट्रक्शन पे जाती हूँ। तो पहले क्या है कि आई विल मेक अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, इस पे अगर एक पॉइंट मार्क किया मैंने, एक पॉइंट मार्क करती हूं मैं, आई विल मार्क दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे मार्क करने के बाद फिर वही कंपास का यूसेज है हमारे पास, कंपास को रखेंगे अपन यहां पे, हमने एक सफिशियंट लेंथ तक, एक सफिशियंट लेंथ, ज्यादा बड़ा भी नहीं बट इतना होना चाहिए कि हम आराम से कर सकते हैं, कंपास को रोटेट कर सकते हैं। देखिए कंपास से आर्क बन रहा है, सेमी सर्कुलर आर्क बनेगा अब इसमें। देखिए सेमी सर्कुलर पहला स्टेप यही है ना, अपना आर्क बनाना है जो दो आर्म्स को कट करेगा। ये देखिए ये दो आर्म्स को कट किया, अब दोनों एक्सट्रीम एंड्स को ले लीजिए, कंपास को इस एक्सट्रीम एंड में रखिए और आर्क का लेंथ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसका सफिशियंट होना चाहिए। अब इस लेंथ को लेते हुए इसको लॉक कर दिया मैंने, अब देखिए अब थोड़ा सा आर्क यहां पे भी एक बनाते थे, ये एक आर्क बन गया। अब कंपास को दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखते, दूसरे पॉइंट पे रख के फिर रोटेट करते हैं, लेट अस रोटेट इट। ये देखिए रोटेट किया तो आपको क्या दिख रहा है, वी हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आप ये जो लाइन है इसको छोड़ दीजिए। नाउ दैट पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हमने एक लाइन बनाया, देखिए दिस लाइन, ये जो लाइन जो जा रही है, दिस विल बी द बाइसेक्टर ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का बाइसेक्टर मीन्स हाफ एंगल हो जाएगा। हाफ एंगल होने के कारण उसका मेजर कितना होना चाहिए, देखिए कंपास से आप वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया तो आपको 100% करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आप अपने कंपास, ये तो मैंने वर्चुअल कंपास यूज किया है, ये आप अपने जो कंपास बॉक्स के अंदर है यूज करके देखिए, बिल दिख रहा है ना ये एंगल, देखिए मेजर 90 डिग्री एग्जैक्ट दिख रहा है कि आपको। तो ये है, दिस इज हाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड द एंगल, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ 180 डिग्री विच इज बी सी। ये एंगल ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट डी, तो सी डी इज द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी भी बोल सकते हैं, एट सी डी 90 डिग्री बनाया है। इज दैट क्लियर, ये क्लियर हुआ सबको, जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर का किया, दिस इज जस्ट मेक एन आर्क और दोनों एंड से अपन आर्क्स बना सकते हैं, वेर एवर दे इंटरसेक्ट थ्रू दैट पॉइंट फ्रॉम द वर्टेक्स ड्रॉ अ लाइन, तो दैट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ दिस 180 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंस्ट्रक्ट 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन, 45 डिग्री किसका हाफ है, हाफ है 90 का, तो सबसे पहले हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 90 डिग्री। तो सेम रूपे से वी विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल, पहले 90 बनाया हमने, पहले 90 डिग्री बनाया फिर उसको हमने बाइसेक्ट किया। नाउ द जस्टिफिकेशन, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों ये दिस एंगल बी क्यू जो दिख रहा है अपने को, बी पी जो दिख रहा है एंगल, एंगल क्यू बी सी, व्हाई इज द मेजर ऑफ दिस एंगल 45 डिग्री, दिस मेजर्स 45 डिग्री, ये क्यों 45 डिग्री मेजर करेगा ये बताना है हमें। तो इसके लिए आप टेकन दीज टू ट्राइंगल बी एम पी, बी एम पी मैंने लिखा भी है, ट्राइंगल बी एम पी एंड ट्राइंगल पी एम एल, ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन डू वी हैव। अब आप देखिए हमने एक आर्क लेंथ से, ये एक आर्क लेंथ बी पे रख के एक आर्क बनाया है, so won't this length MB and LB be same, MB and LB be same, देखिए BL and BM will be same arc length है, वैसे ही हमने M पे एक point रख के arc बनाया है this arc and L पे एक point रख के same length का arc cut किया which is intersecting at point P, so we have that LP is equal to MB which is same, now that gives us, and इसमें एक और चीज है BP and BP that is common they are, so won't we have the triangles congruence, ये दोनों triangle एक दूसरे के congruent हो जाएंगे, congruent होने के कारण इन दोनों का angle that is angle LBP and MBP they will be equal, and ये पूरा angle 90 degree तो already है ही, तो 90 का आधा क्या हो जाएगा 45 degree,
सो वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस 45 डिग्री. ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, हमको इसमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है. हाउ विल बी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करने के लिए सेम कंपास यूज करेंगे हम. विल कीप द कंपास एट दिस पॉइंट. आई यूज अ डिफरेंट कलर. अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करती हूँ. मैं एक आर्क बनाती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ये आर्क. आई कीप द कंपास एट दिस पॉइंट एंड देखिए ये आर्क फॉर्म हो रहा है. दे बोथ द आर्क्स आर इंटरसेक्टिंग. सो वी हैव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है. सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड दैट पॉइंट. ये दिख रहा है आपको एंगल, देखिए. तो दिस मेजर्स, ये एंगल का मेजर, ये जो है हमने 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया है. सो दिस एंगल, ये जो एंगल सी लिखा है हमने, this is C, P, sorry, this is B point and ये point P है and this point is C. So this point we have as P. Okay? आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रोट्रैक्टर. देखिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते, दिख रहा है आपको एग्जैक्टली. देखिए 45 डिग्री पे हो गया ये, तो एंगल पी बी सी का मेजर जो है 45 डिग्री आ गया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल. ओके, आपको समझ में आ गया है? पहले हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ 180 डिग्री. 180 का हाफ किया हमने, उसके बाद 90 को हाफ किया विच इज गिविंग अस 45 डिग्री. ओके, शैल आई गो फर्दर? तो ये एंगल बाइसेक्टर से हम डिफरेंट डिफरेंट मेजर ऑफ एंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पार्ट है हमारे ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में. ये एक पार्ट है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल. अब जैसा नेक्स्ट एंगल है 30 डिग्री. 30 डिग्री किसको कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? 30 डिग्री इज एक्चुअली हाफ ऑफ 180 डिग्री. तो सॉरी 60 डिग्री, आई एम सॉरी, इट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री. तो हमें सबसे पहले हमें 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. तो नाउ ये आर्क लिया है और आर्क को विद सेम लेंथ हमने आर्क को थ्री पार्ट्स में कट किया है. नाउ दिस एंगल मेजर, एंगल जो एंगल ए बी एल का मेजर विल बी 60 डिग्री. व्हाई विल इट बी 60 डिग्री? दैट इज बिकॉज हमने जो आर्क लेंथ लिया है फॉर कटिंग दिस, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट एल, हमने वही आर्क लेंथ लिया है विच इज इक्वल टू बी ए. दैट मीन्स बी ए जो है वो बी एम के बराबर है. द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल रहेगा. सो दे विल बी सेम. इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हमने. 180 डिग्री है डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तो ईच पार्ट्स का मेजर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि फुल एंगल जो है 180 डिग्री है. इसको हमने थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दैट विल गिव अस 60 डिग्री. सो यही चीज आपको देखिए, आपने लाइन ड्रॉ किया. Now we take the help of compass. We'll fix compass at one point. अब इसका arc length थोड़ा सा कम कर देती हूँ मैं. Now we divide this. We'll use this. देखिए ये जो arc length हो रहा है, ये arc है ये अपना. ये arc same इस पे with the same radius. हमने same radius use करके ये हो गया. नाउ आई विल चेंज द कलर. नाउ इस पॉइंट को सेम आर्क लेंथ यूज किया मैंने, कंपास को स्ट्रेच नहीं किया है, आई एम यूजिंग द सेम लेंथ. तो देखिए पहला ये पॉइंट है, ये पॉइंट सेम लेंथ. नाउ आई विल शिफ्ट दिस हियर. सो ये दिख रहा है आपको, देखिए ये सेकेंड पॉइंट पे कट करेगा. आप सेकेंड पॉइंट पे कट किया, अब थर्ड पॉइंट पे आप देखिए, इसी पॉइंट पे रख के देखिए, व्हाट इज दैट यू ऑब्जर्व. देखिए ये देखिए सेम, देखिए. सो इजंट दिस सेमी सर्कुलर आर्क डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स? आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट जो है इसके इक्वल है.
ये पार्ट जो है इसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू दिस, ऑल थ्री पार्ट्स दे आर इक्वल, सो ईच मेजर विल मेजर 60 डिग्री. अब 60 डिग्री होने के बाद फिर वही बाइसेक्टर का यूज करके हम 30 डिग्री निकालेंगे. ओके, सो दैट इज हाउ 30 डिग्री इज कंस्ट्रक्टेड. अब 30 डिग्री के आगे 105 डिग्री अगर अज्यूम करिए, आपको 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. सो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट 105 डिग्री? 105 डिग्री किस से, व्हाट इज द मेजर, हाउ डू वी फाइंड दैट, व्हाट एड्स अप टू 105? 90 और 15 का एडिशन जो है 105 है. 90 तो 180 का बाइसेक्टर है, 15 किसका बाइसेक्टर है? 30 का. सो आपको एक एंगल ऐड करना है विच विल बी हाफ ऑफ 30 डिग्री. तो आपको इसका कंटिन्यूएशन में लेना है, 90 और हाफ ऑफ, दिस हैज टू बी टेकन इन कंटिन्यूएशन. तो कैसे करेंगे हम? एज आई सेड, ये जो मेजर है, ये वाला एंगल जो मेजर करता है, दिस विल मेजर, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज गोइंग टू मेजर, ये जो मेजर है दिस विल बी 60 डिग्री. और ये जो सेकेंड पार्ट जो है ये है, इट इज अनदर 60 डिग्री, दिस ऑल्सो मेजर 60 डिग्री. ये थर्ड 60 डिग्री है, थर्ड पार्ट. तो ये जो टुगेदर एंगल, व्हाट विल द मेजर ऑफ दिस एंगल टुगेदर बी? द एंगल टुगेदर विल कम आउट टू बी, ये जो मेजर है ये पूरा बनेगा 120 डिग्री. फाइन, अब 120 है ये एंड दिस इज 90 डिग्री. तो 120 एंड 90, इसका मेजर क्या हो गया आपके पास? 30 डिग्री. तो ये एक एंगल है, इसको अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 50. तो ये जो एंगल, दिस मेजर्स 15 डिग्री. तो ये एड ऑन होगा इस 90 के साथ एंड फाइनली यू गेट दिस एंगल QBC, विच विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल QBC जो है, दैट विल कम आउट टू बी, ये एंगल का मेजर जो है, दिस विल बी 90 के साथ 15, दैट इज 105. फाइन, सो दैट मीन्स 90 तो ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब नेक्स्ट जो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, उसको हमने 30 डिग्री सॉरी उसको हमने बाइसेक्ट किया है. सो हाउ डू वी टेक अप दिस? हमने पहले विल मेक अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ये दो पॉइंट से, ये दिस इज हेलो, क्या प्रॉब्लम हो गया? मैम टेक्निकली हम लोग रुक गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे और आप लोग सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं. ओके. सो हम यहाँ पे रख के विल कट एन आर्क फॉर बाइसेक्टिंग दिस एंगल. तो ये जो एंगल कट किया है, या दिख रहा आपको आर्क कट करते हुए? नाउ अगेन कंपास का पोजीशन एट द अदर पॉइंट, इस पॉइंट पर रख देते हैं अपन, और इधर से विल कट द आर्क. ओके, अब इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए जो लाइन बनेगा, देखिए व्हाट इज दिस, ये जो एंगल, ये जो है दिस एंगल, दैट इज हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में. इस एंगल के मेजर क्या होगा? ये ऑलरेडी 90 है अपने पास, उसके साथ हमने 30 का हाफ किया है. बिल्कुल, तो इसमें हमारा एंगल भी आ गया है मैम, और हमारा सेशन अब हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसके साथ फिर से हाजिर होंगे. मैम आज के सत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए ये दिख रहा है आपको कंपास में भी, 120 105 डिग्री दिख रहा है क्लियरली. ओके बच्चों, ये फॉलो करो स्टेप्स, आराम से आप लोग कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. जी मैम, आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि इस बार परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को होगी. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ सीधे संवाद करेंगे. तो आइए प्रधानमंत्री जी के साथ उनके जीवन के अनुभव सुने और जाने कि तनाव रहित रहकर परीक्षा को एक उत्सव कैसे बनाया जा सकता है.
इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन समेत सभी प्रमुख चैनलों और ऑल इंडिया रेडियो पर होगा, तो फिलहाल देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।